जयभीम शादी हो आज, हम लोग हैं बनारस, बनारस काशी, ये सदगुरु रविदास जी महाराज की जन्मस्थली है। और मेरा मन था कि मैं बस वहीं दर्शन के लिए जा रहा था, नमन करने के लिए सदगुरु जी को, तो सोचा इससे पहले लाइव आके आपसे बात कर ली जाए, क्योंकि आज यहाँ देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। तो जो मैं आज कहना चाहता हूं, मैं पिछले 3-4 दिन का इंतजार कर रहा था कि कुछ हो तो मैं कुछ कहूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो मुझे लाइव आना पड़ा, अपनी बात रखनी पड़ी। मैं बहुजनों की स्वतंत्र आवाज हूं, मैं चुप नहीं रह सकता हूं। जब कुछ गलत होगा, जब देश के अंदर कुछ गलत चल रहा होगा, तो मुझे बोलना पड़ेगा। परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए और सभी बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए, आज सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती है, पूरा देश बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। मैं सबको जो है मेरी मंगल कामना पूरे देशवासियों को कि आप सदगुरु महाराज के दिखाए रास्ते पे चले और ब्राह्मणवाद पाखंडवाद से मुक्ति लेके मानवतावादी बुद्ध धर्म की, मानवतावादी रविदास धर्म की दिखाए रास्ते पे चले। और जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा गया है, सबको समान अवसर प्राप्त हो, सबको समानता हो, सबको मौका मिले, गैर बराबरी ना हो, किसी का भी जाति के नाम पर उत्पीड़न ना हो, ऐसा ही सदगुरु महाराज कहा करते थे कि ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबन्नुवन, छोट बड़े से सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। तो सदगुरु महाराज बहुत लंबे समय पहले ये बातें कहकर चले गए, वो हमारे रहबर थे। उसके बाद बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया, साहब काशीराम ने हमें रास्ता दिखाया, और आज सदगुरु जी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की भी जयंती है। तो पूरे देशवासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की भी मंगल कामनाएं। आपने भी अपने कार्य से, अपनी क्षमता से शासन करके दिखाया, जबकि ब्राह्मणों ने आपके, जब आपका राज तिलक हो रहा था, वो भी नकार दिया, पैर के अंगूठे से करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, आप में क्षमता थी, आपने साबित किया कि हम लोग शासक वर्ग के लोग हैं। तो मंगल कामनाओं के साथ जो जरूरी बात थी वो ये थी, दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली सहारनपुर में, उत्तराखंड में, शराब से बहुत सारे लोगों की जान गई। मैं चिल्लाता रहा, सरकार चुप भी थामे नहीं, सरकार दोहरी नीति पे काम करती रही। चलिए सरकार का काम है, सरकार करे, हम लोग सरकार नहीं है तो हम लोग मांग ही सकते हैं, लेकिन मैं बार बार समझाता हूं कि समाज देने वाला बने, मांगने वाला ना बने, शासक बने। और शासक लोगों पर अत्याचार जो जाति नहीं होती, इसलिए जो है मैं बार बार युवाओं को, जो को बार बार भटक जाते हैं, उनको सही दिशा में लाने का काम कर रहा हूं। फिर उसके बाद एक बड़ा मामला हुआ पुलगांव में, जम्मू कश्मीर में भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ, बड़ा मामला था, 44 लोगों की जान गई, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों ने भाषण दिए, निंदा की, झूठे दिखावे किए, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप किए, लाशों पे राजनीति की। सवाल ये कि हम अपने लोगों को मरता नहीं देख सकते हैं। वो सैनिक जो है वो किसी नेता के बेटे नहीं है, वो किसी मुख्यमंत्री के बेटे नहीं है, वो किसी प्रधानमंत्री के बेटे नहीं, वो किसान के बेटे हैं, वो आम आदमी के बेटे हैं, वो गरीब के बेटे हैं, जो इसलिए सेना में नौकरी करते हैं कि देश के साथ वो अपने परिवार को भी चला सके। मैं ये नहीं चाहता कि पहले हमारे सैनिक मरे उसके बाद हम कुछ करें, मैं चाहता हूं कि पहले ही ऐसी एक नीति बनाई जाए, अगर युद्ध ही समाधान है तो युद्ध हो, लेकिन बार बार सैनिकों की मौत बड़ा कठिन काम है, ये नहीं देखी जा रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर एक सांप्रदायिकता की आग जो है देश में, जिसको झोंकने का काम किया जा रहा है, कश्मीरियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। मुझे तो बड़ा गर्व हुआ जब इस देश के मुसलमान ने खुद आगे बढ़ के झंडा उठा के कहा कि आतंकवादियों को सजा होनी चाहिए, आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देना चाहिए। लेकिन मुझे कुछ इस पे शक भी है और मैं उसे आज कहूंगा, और मेरे बाद आप इसे सुनेंगे भी, सब लोग सुनेंगे, क्योंकि जो मैं कहता हूं मैं बहुत सोच समझ के कहता हूं, बहुत इंतजार करके कहता हूं, अब समय आ गया कि मुझे बोलना चाहिए। आज ये जो पुलगांव में हुआ, क्या इसमें सरकार की कमी नहीं है? लोग कहेंगे आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, क्यों ना करो, रूलिंग पार्टी तो आप ही हैं। जब आप चीफ मिनिस्टर थे, बड़ी बड़ी भाषणें देते थे आप, मोदी जी,
कि ऐसे थोड़ा ही मर जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं, जब आपकी सुरक्षा में एक काला झंडा नहीं जा सकता, तो हमारे देश के सैनिकों की सुरक्षा में वो 250 किलो आर्टिक्स जिसका प्रचार आपके लोग कर रहे हैं, वो कहां से आया? क्या इससे सरकार की कार्यशैली उत्तरदायी नहीं होती? सरकार क्या कर रही है जवानों के लिए? सरकार का सुरक्षा तंत्र क्या? आम आदमी कैसे सुरक्षित जब जवान सुरक्षित नहीं है? मेरा सवाल है, मैं सवाल करूं, क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल हो गया। प्रधानमंत्री जी पे हमला होने वाला था, इसका तो इसके लिए तो बहुत सब कुछ पता लग गया था। सैनिकों पे हमला होने वाला, देश पे हमला होने वाला है, इसकी जानकारी नहीं थी? कहीं ये सुरक्षा व्यवस्था के साथ चूक तो नहीं है? इस देश की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक तो नहीं हो रही? मैं चाहता हूं साथ इसको लाइव और शेयर भी करते रहे, लोगों तक पहुंचाए। ये सवाल मैं छोड़ रहा हूं आज। कहीं ऐसा तो नहीं घर का भेदी लंका ढा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भेदी घर में बैठा हुआ है जो उन कार्यों में आतंकवादियों की मदद कर रहा है? वरना किसे पता था कि पांचवीं बस जो है वो ब्लड प्रूफ नहीं है? जब 1000 सैनिकों का जत्था जाता तो 2500 का क्यों गया? मुझे शक है, और शक मेरा, मैं चाहता हूं कि NIA से इसकी जांच हो, चाहे CBI करे चाहे NIA करे। और बड़ी दुख की बात है, 44 लोग शहीद होते हैं, राष्ट्रीय शोक दिवस नहीं मनाया जाता। एक अभिनेत्री के मरने पे शोक दिवस मनाया जाता है। ये देश अभिनेताओं का नहीं है मात्र, ये हम चैन से इसलिए सोते हैं कि देश के सैनिक सरहद पे सुरक्षा करते हैं, उनकी वजह से हम लोग चैन से सोते हैं। मुझे बहुत बड़ा डाउट यह है कि कहीं ये कारण सरकार की विफलता को छिपाने के लिए तो ये हमला नहीं हुआ, कहीं इसमें सरकार की कोई साजिश तो नहीं है? इसका बड़ा कारण यह है कि अमेरिका की जांच एजेंसी ने अब से 31 जनवरी को के अखबार में प्रेषित कराया था कि देश में संप्रदाय के झगड़े हो सकते हैं, देश में दंगे हो सकते हैं, देश पे की सीमाओं पे हमले हो सकते हैं, और सरकार इसमें बड़ा रोल अदा कर सकती है। तो मुझे डाउट है, जब एक महीने पहले कोई चीज कही जा रही है और आज वो दिखाई दे रही है, तो संभवतः इसमें किसी का हाथ हो सकता है। बड़ी कठिन सवाल है, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि वर्तमान की सरकार अपना पल्ला बचा रही हो, नोटबंदी, GST, कहीं भ्रष्टाचार, महंगाई, 13% रोस्टर, 10% आर्थिक आधार आरक्षण, कहीं ये इन सबसे ध्यान हटाने की प्रक्रिया तो नहीं? कहीं सरकार जो शासन करे जिसके साथ में सारी चाबी कहीं वो फेल हो रही है, तो देश की भावना से क्यों इस मामले को जोड़ रही है कि ये मामला देश की भावना से जुड़ा हुआ है? आपके राज्य में हो रहा, सैनिक मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आपके राज्य में सैनिक ही सुरक्षित नहीं है आपके शासन में, तो ये आपका फेलियर है। अभी तक फिर भी देश के लोगों ने नहीं कहा रक्षा मंत्री इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि देश को उम्मीद थी कि एक मजबूत प्रधानमंत्री हमने बनाया, और वो जो बड़े बड़े वादे उसने किए, काला धन लाऊंगा, रोजगार दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा, महंगाई मुक्त करूंगा, सुशासन दूंगा, एक मारोगे तो 10 मारूंगा, इतने बड़े बड़े वादे किए थे, इसका मतलब वो उस पर फेल हो रहा है। और आज अपना फेलियर बचाने के लिए आज अपनी जो झूठी ताकत का जो ढिंढोरा पिटा जाता था कि बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है, मुझे लगता है सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है जिसके शासन में इतने नौजवान, इतने सैनिक मर गए हैं, और सैनिकों की शहादत को मुश्किल से 10 या 20 दिन याद किया जाएगा, मीडिया पे बात होगी, मोमबत्तियां जलेंगी, उसके बाद मैं ये भी जानता हूं CRPF, BSF, ये जो फोर्सेज है हमारी, ITBP, इनके जवान जो वहां लगे हुए, CISF, इनके जवानों को तो शहीद का दर्जा भी नहीं देती सरकार, 10 दिन बाद इनके परिवार के लोग फाइलें लेके घूम रहे होंगे कि मुआवजे के लिए, व्यवस्था के लिए। मुझे बताइए, एक जवान, वो भी मेरे जैसा एक आम आदमी है, वो क्यों करता है नौकरी है? सीमा पे क्यों बर्फ में खड़ा रहता? इसलिए क्योंकि उसे देश से प्रेम है, और देश प्रेम के साथ वो अपने परिवार के लिए व्यवस्था भी चाहता है, उनके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? सरकार को लागू करना चाहिए कि सीमा पे अगर कोई भी जवान शहीद होता है तो उसके पूरे परिवार का, उसके बच्चों का, पढ़ाई का, रोजगार का, जो भी व्यवस्था वो सरकार उठाए। और अगर आपसे नहीं हो रहा है मोदी जी, तो खाली कर दीजिए ना कुर्सी, क्यों झूठा ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मैं बहुत वो हूं, मैं बहुत बाहुली, बार बार फेल हो रहा है आदमी और कह रहा है नहीं मैं बहुत मजबूत हूं। कैसे मजबूत हो आप? इतने सैनिक तो किसी के राज में नहीं मरे, फिर भी आप बार बार झूठी तारीफ है। और बहुत बुरी बात देखिए, बीजेपी के नेताओं को नहीं फर्क पड़ता है, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के सांसद, शहीदों की जो यात्राएं निकल रही है, शहीद जो शहादत पे यात्राएं निकल रही है, उनमें हंस रहे हैं, उनमें खिलकारे मार मार के हंस रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए
सैनिकों की जान ले रहे हो। मैं सवाल छोड़ रहा हूं, क्यों आज तक भी ऐसा हुआ कि देश में हमारे जवानों के लिए जो सुरक्षा माहौल वो तैयार करते हैं उनके लिए वो हथियार क्यों नहीं प्रोवाइड करा किसी सरकार ने? क्या सरकार नहीं चाहती कि हम सुरक्षित रहे? ऐसे हथियार क्यों, ऐसा सिस्टम क्यों नहीं दिया जा रहा उन्हें? क्यों बुलेटप्रूफ जैकेट नहीं पहुंचाई जा रही? क्यों ऐसा हो रहा है कि देश के सैनिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रही है? तो मुझे ऐसा लगता है, और मुझे बड़े कड़वे शब्दों में कहना पड़ेगा, मुझे लग रहा है आज के समय में देश के सैनिकों की शहादत को भी यूज किया जा रहा है सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। बड़ा कठिन दौर है। मैं चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है कि देश के प्रत्येक राजनेता के घर से एक बच्चा सेना में जरूर होना चाहिए। देश के प्रत्येक राजनेता के घर से एक बच्चा जरूर सेना में होना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं देश में सिस्टम लागू कि प्रत्येक घर से एक बच्चा सेना में जरूर जाए, एक बच्चा इंटेलिजेंस का सिस्टम का हिस्सा जरूर बने। सरकार ये तय करे जिससे कोई राजनेता अपनी राजनीतिक रोटे सेकने के लिए किसी के बच्चे की जान ना ले पाए। उन माओं के दर्दों को देखिए, मैंने परसों भी कहा लाइव आके, एक भाई के मैं देख रहा था कि इतना सा हिस्सा आया है बाल्टी में, वो किसकी चिता जलाएंगे भाई? वो किसका अंतिम संस्कार करेंगे? वो कैसे देखेंगे अपने लाल को आखिरी बार? और आपके राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए मैं अपने देश के शहीदों को मैं नहीं मरने देना चाहता। मुझे ये तो पता लग गया कि आप सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हो। आप मजबूत होते आज आप रैलियों में ना कह रहे थे, रैलियों में इसका फायदा ना ले रहे थे, रैलियों में ये ना कह रहे होते कि हमने सैनिकों को छूट दे दी। आज तक क्यों नहीं दी गई छूट? मैं मुस्लिम भाइयों का भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने रोड पे आकर, मैं उनसे निवेदन भी करता हूं खूब और बड़ी संख्या में रोड पे आकर निवेदन कीजिए, ऐसे आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए, उनको उनकी सही जगह भेजना चाहिए। ये देश मुसलमानों का, ये देश हमारा है, ये देश इसके ओबीसी वर्ग का, ये पूरा देश, हम इस देश के साथ खड़े हैं। और आज तो सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है, विपक्ष भी खड़ा है। आप करिए ना हमला, अगर युद्ध ही अंतिम उपाय है तो युद्ध कीजिए ना, क्यों चुप बैठे? क्यों मुझे आज फिर 1999 याद आ रहा? क्यों मुझे कश्मीर याद आ रहा है दोबारा से? मुझे आ रहा है याद इसलिए, मुझे लग रहा है कि सरकार इतनी फेलियर हो गई है कि आज उसके पास युद्ध के अलावा, आज उसके पास देशभक्ति में लोगों को बदलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। बहुत बुरी बात। आप ये भी याद रखें, मैं देश के प्रत्येक व्यक्ति से कहना चाह रहा हूं, सरकार के इशारे पे, सरकार की झूठी महत्वाकांक्षा में, राजनीतिक महत्वाकांक्षा में अपने संबंध मत खराब कीजिए। हम इसी देश में रहते हैं, ये देश इसलिए भारत है जिसमें विभिन्न जातियों धर्मों के लोग बड़े चैन सुकून से रहते हैं, सबके लिए बराबर के अधिकार है। कहीं ऐसा ना हो कल आपको जांच में पता लगे कि इसमें सरकार का हाथ था, किसी विपक्ष का हाथ था। कहीं ऐसा ना हो कि आप कल पछताएं कि आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। किसी गरीब की जान मत ले, किसी गरीब के लिए आप सब मत कहें, आप आपस में मत लड़े, आपको नहीं लड़ना, आपको देश के साथ खड़ा होना। हम सब लोग देश के साथ खड़े हैं और हम सब लोग देश के को मजबूत करने, क्योंकि हम प्रथम रहते भारतीय देश हमारा है। और लड़ाई सीधी सबको बताया ना पाकिस्तान ने किया, तो चलिए ना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं। अगर युद्ध उपाय तो युद्ध होना चाहिए, वरना फिर इसके एक ऐसा मजबूत तैयारी कीजिए, एक ऐसी योजना बनाइए और एक ऐसा समाधान निकालिए कि परमानेंट समाधान हो, हमारे सेना के जवान शहीद ना हो, क्योंकि वो भी हमारे जैसे माओं के बेटे, सबको तकलीफ होती है। आप किसी की जिंदगी दे नहीं सकते तो किसी की जिंदगी लेने का अधिकार आपको नहीं। हमारे सैनिकों के लिए मजबूत व्यवस्था कीजिए, उनकी जान की कीमत को भी समझिए, उनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, हमें समझना पड़ेगा। हम देश के प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़े हैं, लड़ाई पाकिस्तान से, देश के लोगों से लड़ाई नहीं है। जो देश में रह के जो पाकिस्तान मुर्दा जिंदाबाद के नारे बोल रहा है वो देश विरोधी है, उस पर कार्रवाई हो। लेकिन ऐसा ना हो कि किसी के महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए किसी को मारा जाए। मैं मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन करता हूं, वो भी रोड पे आए, वो भी इसका समर्थन करें कि जो पाकिस्तान मुर्दा जिंदाबाद का नारा देश में खड़ा होकर भारत में लगा रहा है, उसका विरोध हो, उसको सजा मिले। लेकिन लाखों करोड़ों मुस्लिम भाइयों को जो इस देश में रहते हैं, उस देश के लिए दुआ करते हैं, उनको निर्दोष लोगों को ना सताया जाए। और मुझे भी पता है कि भक्त लोग जो हैं वो मुझे गालियां देंगे, हितेशी बताएंगे, विरोधी बताएंगे देश का, लेकिन देश किसी के बाप का नहीं, देश हमारा है। और इस देश का जवान, किसान और इस देश का गरीब तबका इस देश में बड़ी हिस्सेदारी करता, वो इस देश को चलाता है। अकेली कोई जाति धर्म के लोग इस देश को नहीं चलाते। और ये देश तब मजबूत होगा जब इस देश का प्रत्येक तबका मजबूत होगा। फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर दोबारा आपको सदगुरु रविदास जी महाराज को, छत्रपति साहू जी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं।
और मैं चाहूंगा कि आप उनकी वाणियों को सुने, उनके दिखाए रास्ते पे चलें, इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए संकल्पित हो, आपस में प्रेम भाईचारा बनाकर रखें। लड़ाई हमारी पाकिस्तान से है, भारत में रहने वाले मुसलमान से लड़ाई नहीं है, भारत में रहने वाले ईसाइयों से लड़ाई नहीं है, बुद्धिस्टों से लड़ाई नहीं है, भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति से लड़ाई, लड़ाई पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान से अगर झगड़ा होता है, पाकिस्तान से के साथ अगर सरकार कुछ करना चाहती है, तो पूरा देश उनके साथ खड़ा है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक रोटियां सीखने के लिए नहीं। एक ऐसा मजबूत समाधान कीजिए, आप मजबूत सरकार में है कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। आप चेक कीजिए इतना आरडीएस कैसे आता है, कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति सब मिला हुआ है आतंकवादियों के साथ, कहीं ना कहीं व्यक्ति देशद्रोही के साथ मिला हुआ है, कोई तो है जो किसी की अति महत्वाकांक्षा और महत्वाकांक्षा पूरा करने के लिए देश के शहीदों की जान ले रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे देश के नौजवानों को, मेरे देश के रक्षकों को, मजबूत हथियारों की सुरक्षा के लिए जो भी आपका रखते सरकार करे, बजट कुंभ पे ना लगा के, बजट मूर्तियों पे ना लगा के, बजट देश की सेना पे लगाए, उनका बजट ना काटा जाए। जैसा हमें पता है देश का बजट काटा जा रहा है, देश की शिक्षा का बजट काटा जा रहा है, ये गलत है। देश का जो बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा देश की सेना पे लगाइए। कुंभ में नहाने से देश का भला नहीं होगा, इतने लोगों की जान कीमती है। हवन कराने से, रक्षा यज्ञ कराने से देश में देश के शहीद, देश के नौजवानों की सुरक्षा नहीं होगी, देश की सुरक्षा नहीं होगी। देश की सुरक्षा देश का सैनिक करेगा, और उस देश के सैनिकों में विश्वास दिलाना पड़ेगा, प्रत्येक देश का नागरिक उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जो सवाल मैंने छोड़े उन पर गौर जरूर कीजिएगा, और मैं चाहता हूं कि एनआईए द्वारा, सीबीआई द्वारा इसकी जांच हो, पता लगे आखिर इतनी बड़ी चूक कहां हुई और क्यों एक महीना पहले पहले इसके बारे में लोग कहने लगे। मैंने भी कहा था कि अब एक ही उपाय बचा सरकार के पास, हो सकता है वो हमला कराए, हो सकता है देश में के साथ, देश के साथ विदेशी दूसरे देशों की लड़ाई की बात चल जाए, क्योंकि मुझे भी शक था, मुझे भी लग रहा था कहीं ना कहीं, मैं हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय बहुजन समाज, भारत जिंदाबाद, जय भीम, जय भारत। हम भारत के देश के मूल निवासी हैं, भारत के शासक हैं, भारत के साथ खड़े हैं, हम प्रथम और अंत्यतः भारतीय हैं, और देश के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे और कुर्बान मिट जाएंगे, लेकिन देश के स्वाभिमान सम्मान को कमजोर नहीं होने देंगे। जय भीम आर्मी।